देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार सुबह रोहिणी इलाके से 50 राउंड फायरिंग और मुठभेड़ के बाद काला जठेड़ी गिरोह के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार स्पेशल सेल को बदमाशों के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और सुबह पोलो कार को पहचान कर रुकने का इशारा किया तो कार में सवार बदमाशों ने सेल की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाशों को काबू करने के लिए फायरिंग की। दोनों ओर से तकरीबन 50 से ज़्यादा राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद बदमाशों को दबोचा गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के गोली लगी है, उन्हें रोहिणी स्थित अम्बेडकर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। वहीं मुठभेड़ में सेल के बहादुर इंस्पेक्टर मानसी भी घायल हुए हैं। मानसी की बाजू में गोली लगी है, वहीं एक सब इंस्पेक्टर भी बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण बच गए। पकड़े गए बदमाश 11 हत्या के वारदातों में शामिल बताए जाते हैं। वहीं इन पर हत्या, लूट, रॉबरी, फिरौती, कार जैकिंग के मामलों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान पुलिस को इनकी तलाश थी। पुलिस की तरफ से इनका इनाम घोषित था। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 4 स्पॉन्डेड पिस्तल, 2 कंट्री मेड पिस्तल, 60 जिंदा कारतूस, बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की है। पुलिस अब पकड़े गए बदमाशों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिसमें कई और वारदातों का खुलासा हो सकता है। पेश दिल्ली से राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट।